स्वागत है दोस्तों आपका मलेशिया देश की राजधानी कुआलालंपुर के एक और नए ट्रैवल व्लॉग से। आज मैं यहां से अपना हॉस्टल चेकआउट कर दिया हूं और यहां से मैं जा रहा हूं आज मलेशिया की सबसे फेमस सिटी, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर आप मलेशिया आए और यहां ना आए तो आपकी मलेशिया की ट्रिप कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। जी हाँ, मैं जा रहा हूँ मलेशिया की एक बहुत फेमस सिटी जिसका नाम है मलक्का। मलक्का फेमस क्यों है आखिर? एक्चुअली मलक्का जो सिटी है वो पूरी की पूरी सिटी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आती है, यानी कि कोई एक स्पेसिफिक जगह नहीं, वो पूरी सिटी ही वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है। मतलब कि वहाँ पर उसमें आप कोई भी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकते बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। बहुत अच्छी सिटी है। यहाँ पर अगर इसकी हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो जो मलक्का है वो पहले पुर्तगाल, मतलब पुर्तगाली जिसको हम बोलते हैं, उनकी कॉलोनी हुआ करता था और वहाँ पर उसी टाइम का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बना हुआ है। वहाँ चलेंगे, देखेंगे और आपको अपनी जर्नी का मैं ये पार्ट ज़रूर दिखाऊंगा, आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। मलेशिया एक अलग तरीके से मैं आपको घुमा रहा हूँ, ये मेरा विज़न है कि ऐसा मलेशिया आपने पहले नहीं देखा होगा। अगर आपको मलक्का जाना है तो आपको इस स्टेशन का टिकट लेना होगा। ये है बस स्टेशन, ये है बंदर तसीक, पता नहीं क्या लिखा हुआ है आगे। तो भाई यहाँ के मैं बस स्टेशन आ गया हूँ। ये देखो यहाँ का बस स्टेशन भी बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह इन लोगों ने सिस्टम कर रखा है। ये जो लाइन है ये है मलेशियन लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, भूटान वगैरह से हो तो आपके लिए यहाँ पर अलग काउंटर है, आप इस लाइन से टिकट नहीं ले सकते। ये मुझे टिकट मिला है यहाँ से 12 रिंगिट का मलक्का के लिए। और ये वाला काउंटर है यहाँ पर जिस पे इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी इन लोगों को टिकट मिलता है और यहाँ पर बस टिकट के लिए आपको पासपोर्ट देना पड़ता है। भाई साहब बिल्कुल एयरपोर्ट वाला काम कर रखा है, मतलब बस के लिए भी उन लोगों ने गेट नंबर बना रखे हैं। मेरा गेट नंबर है 14 और ये बिल्कुल जैसे फ्लाइट में होते हैं ना, देखो ये यहाँ पर अटेंडेंट बैठी है, ये आपका टिकट देखेगी और तब आपको यहाँ पर अंदर एंट्री देगी। मैं फटाक से पहुँचता हूँ 14 नंबर गेट पर, कहीं मेरी बस ना हो जाए। तो गेट नंबर 14 से चलते हैं हम, अब हम अपने बस की तरफ। इसमें रखूँगा लगेज, ये यहाँ पर ऐसी बस है भाई। चलते हैं अब अंदर, सीट नंबर 1, मेरी 1 नंबर सीट है। यही मेरी सीट है नंबर 1, इस पर बैठते हैं। सीट मुझे मिली है बड़ी ज़बरदस्त, सबसे स्टार्टिंग की सीट मुझे मिल गई है। और ये ऐसी यहाँ पर बस है बिल्कुल सबसे पहली है, यहाँ से मैं आपको पूरे नज़ारे दिखाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि जो एक्सपीरियंस आप एयरपोर्ट पे करते हो बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस यहाँ पर, यहाँ के बस स्टैंड पर है भाई। मतलब पासपोर्ट लिया और ये इस टाइप का बोर्डिंग पास दिया, बोर्डिंग गेट आपने अभी देखा ही है मेरा, ये तो अलग ही एक्सपीरियंस मैंने आज किया है बस में, पहली बार इस टाइप का एक्सपीरियंस। चलो खैर अब मलक्का मिलते हैं आपको कुछ खूबसूरत नज़ारों के साथ।
अभी फाइनली ऑफिशियली मैं मलक्का के उस एरिया में हूँ जो कि यूनेस्को हेरिटेज एरिया है, और ये वाकई में बहुत खूबसूरत एरिया है। सबसे पहले आप एक थोड़ा सा यहाँ का एक लुक देखिए। यहाँ पर ऐसे ऐसे मास्टरपीस बनाए गए हैं, यहाँ पर अगर आप फोटो खिंचाओगे तो डेफिनेटली भाई साहब मज़ा आ जाएगा। मतलब ये सिटी, अगर मैं पहला इंप्रेशन यहाँ का दूँ तो ये सिटी मुझे ऐसी लगी कि अगर यहाँ पर आप किसी भी कोने में जाकर फोटो खिंचा लोगे ना तो वो ज़बरदस्त फोटो आने वाला है। और इस सिटी की एक खास बात ये भी है कि इसको एशिया का वेनिस शहर कहा जाता है, क्योंकि एक टाइम पर जब यहाँ पर पहले पुर्तगाल के लोग थे वो लोग यहाँ पर कनाल के द्वारा ट्रैवल करते थे, पानी के द्वारा ट्रैवल करते थे इस पूरे सिटी में, और वो कनाल आज भी यहाँ पर हैं। ये वाली वो कनाल है पूरी, इसमें आज ही बोट चलती हैं, वो बोट चलती हैं अब टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए, टूरिस्ट को घुमाती हैं। अब मैं आपको इस शहर को दिखाऊंगा दिन में और रात को। जी हाँ, इस शहर के दो नज़ारे हैं, एक दिन का अलग वाइब है और रात की अलग वाइब है। जैसे जैसे यहाँ पर रात होती चली जाती है, यहाँ पर छोटी छोटी लाइटें जल जाती हैं, हर पार्ट में एक अलग माहौल होता है। इस वीडियो में मैं दोनों पार्ट कवर करूँगा, दिन और रात। आप ये देखिए, मतलब कि यहाँ पर हर चीज़ बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से बनाई गई है यार। चलिए अब मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ की दिखाऊंगा। ये देखिए भाई, यहाँ की पुलिस की गाड़ी, ये कौन सी गाड़ी है भाई, होंडा की सिविक। ये लिखा है चिंग चोंग च्विंग कोइंग पुइंग ट्विंग। ये कैफे, यहाँ पर एक सीनिक व्यू यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अगर आप यहाँ पर आए ना, क्या फोटो यहाँ पर आपके आने वाली है। आप पुलिस की हेल्प प्राप्त कर सकते हैं, ये टूरिस्ट पुलिस यूनिट है यहाँ की। तो अभी ये है यहाँ की सबसे फेमस जोंकर वॉक। इसमें अभी नहीं, इसमें थोड़ा रात का टाइम चलेंगे, पहले चलेंगे हम इस शहर में इस तरफ, जो कि यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको अलग अलग जगह यहाँ पर है। मैंने कहा था ना कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आपको यहाँ का हर पार्ट ऐसा मिलेगा जहाँ पर आपको फ़ोटो खिंचाने में मज़ा आ जाएगा। ये देखिए क्या खूबसूरत जगह है यार, एक बार इसको आप फील कीजिए। ये है यहाँ की बोट, ये बोट राइड है यहाँ की। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको ले सकूँ और एक इस सिटी का पूरा नज़ारा आपको दिखाऊँगा फिर मैं। और यहाँ की एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी ना, मतलब सारे के सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन एक ही जगह पर है, मतलब पास पास ही हैं। जैसे अगर मैं दिखाऊँ, मेरे सामने वहाँ पर जोंकर वॉक हो गई, ये बिल्कुल यहाँ पर, ये यहाँ का कनाल सिस्टम हो गया, आप बोट कर सकते हो। वो जस्ट सामने वहाँ पर अगर आप देखोगे, ये वाला, ये यहाँ का सबसे फेमस चर्च है, वो हो गया। मैं दिखाता हूँ अभी आपको, इसके पास चलेंगे, इस भालू के पास अगर आपको दिख रहा है तो। और ये है यहाँ का चर्च, ये उसी टाइम का बना हुआ चर्च है, 1753 का। इस सिटी के इस वाले एरिया का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो सब उसी टाइम का बना हुआ है जिस टाइम पे यहाँ पे पोर्चुगीज थे। अब सबसे पहले हम चलेंगे इनके पास। लो भाई, इनका अभी मैं आपको फोटो शूट दिखाता हूँ, इनका चल रहा है फोटो शूट, इन कन्याओं का। आई लव मलक्का। आई ऑल्सो लव हर। भाई ये है यहाँ का फेमस चर्च जो पुर्तगालियों ने बनाया था अपने टाइम पे, ये यहाँ की गैलरी है। पर अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ ना, मतलब इनके अंदर जाने में मज़ा नहीं है, मज़ा है यहाँ की बाहर की सुंदरता देखने में। आप एक चीज़ देखिए, ये जो फाउंटेन आप देख रहे हो, इसका पत्थर अगर मैं आपको बताऊँ ना भाई, ये वाकई में बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का पत्थर है और बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब मेरे अनुसार तो यहाँ पर ये इनके अंदर जाने में मज़ा नहीं है, ये जो सुंदरता बाहर है जहाँ पर मज़ा है। और अगर आप यहाँ पर हो ना, मतलब इतनी दूर मलेशिया आए हो, तो इस सिटी में ज़रूर आइए। आप एक दिन के लिए आइए, आधा दिन के लिए आइए, आपकी ऐसी ज़बरदस्त फ़ोटो आ जाएंगी यहाँ पर, वो पूरी ज़िंदगी मतलब तबाही काटेंगे।
अच्छा एक चीज़ मैं आप देख रहा था, इन लोगों ने अलग क्या किया हुआ है, देखो ये चीज़ हमारे यहाँ भी मिलती है ना, ये लाल रंग का कलर किया हुआ है यहाँ पे, मतलब आप ये देखो। तो ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते अपने टाउन के साथ? मतलब अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ, मतलब मुझे अभी इतना एक्सपीरियंस हो चुका है थोड़ा बहुत बाहर घूमकर, कि अगर मैं अपनी सिटी का चेयरमैन बन गया ना, या अपने एरिया का MP विधायक MLA बन गया, या मेरे पापा बन गए, तो मैं वहाँ पे इनको डेवलप करा दूँगा भाई। देख लो ये क्या चीज़ है, ये हमारे यहाँ पे मिलते हैं, गांव-गांव में लगी हुई हैं, पर इनको लगाने का तरीका, कलर कॉम्बिनेशन, ये सब चीज़ें। खैर अभी यहाँ पर मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ, और यहाँ की जो सुंदरता दिखाता हूँ, लड़की दिखाता हूँ। चलो अब आपको मैं यहाँ की थोड़ी सी लड़कियाँ दिखा देता हूँ, क्योंकि बिना ग्लैमर के भी मज़ा नहीं आता, एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, और सुंदरता वही है जिसकी तारीफ की जाए, वरना वो सुंदरता क्या है जिसकी तारीफ ना हो। जैसे मैं सुंदर हूँ, तारीफ कीजिए मेरी, ये पीछे सुंदर है इसकी तारीफ कीजिए, लोग देखो। तो मतलब गलत इंटेंशन नहीं है भाई, सुंदरता की ना तारीफ होनी चाहिए, ठीक है। चलो देखो अब थोड़ा सा आप लड़की देखो यहाँ पर, कुछ ज़्यादा ही संस्कारी ब्लॉग बन गया था, तो थोड़ी सी सुंदरता भी मतलब बनती है। ये है यहाँ का स्काई टावर, मतलब कि ये आपको ऊपर हाइट पे ले जाएगा, और वहाँ से आप इस पूरी सिटी का एक पूरा 360 व्यू देख सकते हो। ये अभी धीरे 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 नीचे आ रहा है, इनकी राइड पूरी हो गई। चलो खैर इनकी राइड पूरी हुई, अब मैं देखता हूँ यहाँ पर मुझे आगे क्या देखने को मिलेगा, और मैं क्या आपको अच्छे से दिखा सकता हूँ। यहाँ पर सिटी बहुत खूबसूरत है, मतलब हर चीज़ एक परफेक्ट जगह पर यहाँ पर है। आप ये बिल्डिंग देखिए भाई, मतलब यहाँ पर तो मैं कह रहा हूँ भाई, फ़ोटो का कोई दीवाना है ना, तो यहाँ पर आ जाओ, ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा आप लोगों का। ये मेरे पीछे देखो आप, सारा खेल कंस्ट्रक्शन का, मैनेजमेंट का और लाइटिंग का है भाई। घूमते घूमते हो गए रात और भूख लग गई, तो मेरे सामने एक आया है ये नारियल पानी वाला, मैं ये लेता हूँ। ये देखो कुछ ऐसा है ये नारियल पानी, ये है, ये बड़ा गिलास है 5 रिंगिट, ये है 3 रिंगिट, और ये है यहाँ पर तरबूज का जूस, और ये पता नहीं क्या है। तो मैंने लिया है ये नारियल पानी यहाँ पर, इसको मैं अभी पीऊँगा, पी के बताता हूँ कैसा है। बहुत मीठा है, तो शायद इन लोगों ने इसमें चीनी मिला रखी है, पर क्या ठीक है नारियल पानी इसमें। यार यहाँ पे एक दिक्कत है यहाँ की, ये ना इसमें बर्फ़ बहुत ज़्यादा डालते हैं। चलो खैर इसको एंजॉय करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ अब यहाँ के रात के नज़ारे। वाओ ये उसी टाइम का जहाज़ है जो पुराने टाइम पे ये लोग यूज़ किया करते थे, ये वही पुरानी टेक्नोलॉजी है, आपने शायद पुरानी मूवीज़ में देखा भी होगा। ये असली जहाज है, इसको मैं आपको पास से दिखाता हूँ, बड़ी गौर से मैं भी इसको अच्छे से देखूँगा। वाह यार क्या ज़बरदस्त चीज़ है, ये पूरा का पूरा लकड़ी का है। अच्छा ये देखो यार, ये देखो, ये इन लोगों ने तोप भी लगा रखी है इसमें। अच्छा तो मतलब ये प्रॉपर एक जंगी जहाज था, मतलब इसमें रेजिडेंस भी था वहाँ पर, देखो वो खिड़की और वो तोप। ओ भाई साहब ये चीज़ तो मैंने पहली बार देखी है, मज़ा आ गया यार। ये वही जगह है जहाँ पे पर्दे लगाए जाते थे। भाई क्या क्या चीज़ है यार, मतलब टेक्नोलॉजी कितनी कितनी तेज़ी से बदलती है। आज के जहाज़ देख लो और पहले टाइम का जहाज़ देख लो, अल्टीमेट मज़ा आ गया। इस यहाँ से दिखाता हूँ आपको, इस वाले हिस्से वाओ क्या जहाज है यार, तो बड़ी बढ़िया लग रही है मुझे तो इसकी। चलो खैर अब चलते हैं हम रिवर फ्रंट की तरफ। वाओ इनसे पेड़ कितना जबरदस्त लग रहे हैं अभी, ये कुछ ऐसा नजारा अभी यहाँ पर। ये रिवर फ्रंट यहाँ का,
जब मैं दिन में आया था तब तो ये पूरा हरा भरा था, इसको एकदम से क्या हो गया? 2-3 घंटे में इसकी एनर्जी किसने चूस ली? ये पतला हो गया। ये रेसिपी हमारे देश की आंटियों को दो, वो अपना वजन कम करने में पूरा पूरा साल लगा देती है, उनका वजन कम नहीं होता। ये यहाँ की रिक्शा देखो, ये एक अलग ही लेवल की इन लोगों ने बना रखी है, मतलब क्या डेकोरेशन कर रखी है इसकी, ये भी अपने आप में एक अल्टीमेट चीज है। चलो खैर अब चलते हैं हम इस वॉक की तरफ। ओ वाओ क्या जबरदस्त है भाई, मजा आ गया इसमें तो। आप मलाका सिटी घूम रहे हो तो आपको इंडियन खाने की टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। पर जिस चीज़ को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आप पहले ये देखिए। ये है हमारा लिटिल इंडिया, मतलब कहने का ये है कि हम जिस भी देश में जाते हैं वहाँ हमें एक लिटिल इंडिया ही मिलता है। सिंगापुर में लिटिल इंडिया है, और मलेशिया की कुआलालंपुर में लिटिल इंडिया है, लंदन में लिटिल इंडिया है, न्यूयॉर्क में लिटिल इंडिया, मतलब मोस्टली हर जगह लिटिल इंडिया है। पर मलेशिया में मुझे 2 जगह लिटिल इंडिया मिल गया, पहला यहाँ की राजधानी कुआलालंपुर में और दूसरा यहाँ मलाक्का में। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर रेस्टोरेंट कहाँ है, वो आप देखिए मेरे सामने, शायद आपको दिखेगा। हरी ओम, मुझे 2-3 इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पर मिले हैं, दिखे हैं, मैं देखूँगा मैं किस पर खाना खाऊँगा। पर अगर ये लिटिल इंडिया है तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो सामने मार्केट है ये वाली, ये भी इसमें भी इंडियन दुकान होनी चाहिए। मैं इसको एक्सप्लोर करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि लिटिल इंडिया मलाका में कितना बड़ा है। भाई अब इस स्ट्रीट को हम एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा लिटिल इंडिया है भी कि नहीं है। अरे वाह, सबसे पहले आ गया हमारा राजी सिल्क प्लेस। हाँ भैया सूट सलवार दिख रहे हैं, मतलब है। और प्रियान, ओफो ये तो हमारे नटराज आ गए भगवान। मैंने तो सिर्फ एक अनुमान लगाया था, ये तो वाकई में ही मतलब लिटिल इंडिया ही है, सब इंडियन दुकानें हैं। ओ यहाँ पर तो भाई ये भी है रेस्टोरेंट सरवणा, ये यहाँ पर साड़ी की दुकान है। मैं देखता हूँ मैं इसमें खाऊँगा अभी, इस भोजनालय में खाना। ये हमारे गणपति बप्पा बैठे हैं भाई, ये शायद पूजा की दुकान होगी। तो भाई मज़ा आ गया, अगर आप अब मैं कह सकता हूँ कि अगर आप मलाका आ रहे हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको इंडियन खाना भी मिल जाएगा, सामान मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे, जो चाहिए आपको वो सामान आपको इंडिया का मिल जाएगा, यहाँ पर लिटिल इंडिया है। एक फैक्ट है कि यहाँ पर लिटिल इंडिया में नॉर्थ इंडियन नहीं है, मतलब कि साउथ इंडिया के लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा नहीं 99% वही हैं साउथ इंडिया के लोग, पर कहीं ना कहीं इंडियन तो है ही। खैर चलो खैर अभी मैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको दिखाऊंगा यहाँ के, अगर कुछ दिखता है मुझे, और मुझे खाना भी खाना है। मिलता हूँ अभी मैं आपको किसी और जगह। यहाँ पर आ गया हूँ, ये यहाँ के कुछ रेट हैं इसके सामान के, अगर कभी आप आओ तो इस हिसाब से ये कुछ चार्ज पड़ेगा। ये सामान देख लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, जो जो आइटम आपको समझ में आता है वो देख लेना। मैंने लिया है ये पूरी जो पड़ी है मुझे 2.30 रिंगिट की, और ये मेरा पूरी का आ गया है मेल, इसमें है एक सब्जी और ये पूरी। मैं अभी आपको ये टेस्ट करके बताता हूँ कि ये है कैसे। सब्जी शायद सांभर दे दें इन लोगों ने मुझे, ये
ठीक है भाई, बहुत चटपटा है, ठीक है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। 2.30 रिंगिट में है ये, मैं इसको फिनिश करता हूँ। तो मैंने आपको पूरी मलाक्का यूनेस्को हेरिटेज सिटी दिखा दी है। अगर मैं बात करूँ, मलाक्का सिटी बहुत बड़ी है, पर जो यूनेस्को हेरिटेज सिटी है वो सिर्फ लगभग 1.5 किलोमीटर में ही फैली हुई है, वो मैंने लगभग सारी कवर कर दी है। तो इस वीडियो का मैं समापन करूँगा, पर पहले आपको कुछ दिखाऊँगा। जो ये मेरे पीछे दो मोहतरमा बैठी हैं, बताइएगा ये जुड़वा है क्या? इनको देखिए, क्या ये दोनों मोहतरमा जुड़वा हैं? देखिए, कुछ भी हो, पर ये एक नायाब अजूबा है, ये एक नायाब अजूबा है। तो खैर, ये मलाक्का सिटी का ये मेरा ब्लॉग पूरा होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए। मैं आपका अभिषेक कालखंडे, मिलता हूँ आपको किसी नई जगह। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।